हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं मुरमुरे का नमकीन। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए हम इसे बनाना चालू करते हैं। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक प्याज बारीक बारीक कटा हुआ, और उसके साथ में चाहिए करी पत्ता जो हम कढ़ी में यूज़ करते हैं वो, और हरी मिर्च। तो हरी मिर्च मैंने ज़्यादा ले ली है तो हमें इतनी नहीं लेना है। और मैंने साथ में लिया है नमक स्वादानुसार, हल्दी लेंगे आधा चम्मच, फली दाना लिया है, और साथ में लेंगे हम लोग ये राई और जीरा। मैंने कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई में सरसों का तेल ले लिया है। सरसों के तेल से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और जब गर्म हो जाएगी अच्छे से तो राई और जीरा से इसे तड़का दें। और इसके बाद जब ये अच्छे से तड़क जाए राई जीरा, तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे करी पत्ता। देखिए करी पत्ता भी इतने अच्छे से हमारा तड़क गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फली दाना और फली दाने को अच्छे से पका लेंगे जब तक ये इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसके ऊपर का जो छिलका है वो फट ना जाए तब तक। और ये देखिए पक के तैयार हो गया है फली दाना। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और प्याज। पहले हरी मिर्च ऐड करेंगे और 1 मिनट पकाने के बाद फिर प्याज ऐड कर देंगे, क्योंकि प्याज को पकने में टाइम लगता है, हरी मिर्च जल्दी ही पक जाती है। तो इसे थोड़ा ड्राई ही पकाना है ताकि हम इसे अगर मुरमुरा को 1 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, इसीलिए इसे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पका लें। ये देखिए इसमें मैंने आधा चम्मच शक्कर और कुछ नारियल के टुकड़े लिए हैं। नारियल के टुकड़े ऑप्शनल हैं, अगर हैं तो यूज़ करिए, ना हो तो ना डालिए, पर शक्कर डालना ज़रूरी है। शक्कर से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो देखिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक और हल्दी पाउडर। लाल मिर्च भी आप ले सकते हैं, पर मैंने हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा ऐड कर दी थी और लाल मिर्च बहुत तीखा लगता है, बच्चे नहीं खा पाते हैं, इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। तो ये मसाला बनके तैयार हो गया है। मैंने प्याज और नमक डाल दिया था पहले ही। अब हम इसमें ऐड करेंगे मुरमुरा। हमारे इधर मुर्रा बोलते हैं, पर अधिकतर मैंने सुना है कि इसे मुरमुरा ही बोला जाता है। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट अच्छे से पकने देंगे ताकि ये और अच्छा कुरकुरा हो जाए। अच्छे से पकाने के बाद हम इसे 1 महीने तक अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसे कंटेनर में हम भरेंगे। गर्म गर्म नहीं भरना है, नहीं तो फिर ये इसका स्वाद बदल जाता है 8-10 दिन बाद। इसीलिए देखिए बनके तैयार हो गया। अगर मुरमुरा बनाने का तरीका मेरा पसंद आया हो तो ज़रूर बना के देखिएगा। ये बनाने में बहुत इजी है और आराम से इसे हम 1 महीने तक रख सकते हैं। इस तरह से बनाएंगे तो ज़रूर 1 महीना तक रह जाएगा। और देखिए मैं सर्व कर रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी इतना ही टेस्टी है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बना के देखिएगा। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट अच्छे से रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।